वेलकम टू द वीडियो। और आज आपको घर बैठे बैठे घुमा के लाते हैं श्रीनगर से। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था मेरा श्रीनगर जाने का वो शेयर करूं। तो जब हम फर्स्ट टाइम श्रीनगर गए थे, अयान थे 3 महीने के सिर्फ, और तब हम गए थे, जून जुलाई का मंथ था, तब हम दीदी औरों के साथ वहाँ पर गए थे, शुभम औरों के साथ, और वहाँ पर उनके क्वार्टर्स हैं। तो वहाँ पर हम कोई 1.5 हफ्ता लगा के आए थे और इतना मज़ा किया था हमने, इतना इंजॉय किया था, और मतलब वहाँ से तो आने का मन ही नहीं करता है। और इतने अच्छे व्यूज़ हैं, इतने अच्छे पार्क हैं, और डल लेक है, और शिकारे हैं, और शिकारा राइड करने में तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग जो नहीं किया है तो उसको एक बार ज़रूर जाना चाहिए, श्रीनगर में एक बार तो घूम के आना चाहिए। अगर आपने श्रीनगर की ब्यूटी नहीं देखी है तो आपने क्या देखा, बाई गॉड, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पर ये हम डल लेक में शिकारा राइड कर रहे हैं, इतना मज़ा आता है, और शाम को तो खासकर ठंडी ठंडी हवा चलती है तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है। हर जगह लाइट्स ही लाइट्स होती हैं, हम तो शाम को गए थे, रात में भी यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि डल लेक में जो है हाउस बोट्स हैं, और हाउस बोट्स जो हैं आपको पे मिलती हैं, आप वहाँ पे रुक सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हाउस बोट्स, और इतनी ज़्यादा सुंदर होती हैं, और अंदर से तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सब कुछ इनके अंदर ही होता है। और आप यहाँ पे जितने मर्जी दिन रुक सकते हो, हम लोग तो नहीं रुके थे क्योंकि हम तो वहाँ पे हमारा रूम था तो हम वहीं पे रुके थे। और यहाँ पे आपको जो ये शिकारा बोट होती है इसके ऊपर आपको सब कुछ मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब चीज़ें जो हैं इसी में मिल जाती हैं आपको, और इतना ज़्यादा रश रहता है, और फ्लावर्स भी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं कि मतलब मन करता है उनको बस देखते ही रहो, इतने सुंदर और फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं वहाँ पे। और हर एक चीज़ जो है, चिप्स सब कुछ जो है बोट पे, क्योंकि हर कोई राइड कर रहा होता है जब जून जुलाई का जब सीज़न होता है, तो वहाँ पे छुट्टियाँ वगैरह जैसे बच्चों को पड़ी होती हैं, बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, तो वो सब हर एक चीज़ जो है आपको वहीं पर मिल जाएगी, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो पूरी मार्केट है वो पानी के अंदर ही है, ये देखो पूरा, मतलब यहाँ पे पूरा मार्केट बना है, ये चीज़ बड़ी अच्छी है देखने वाली वहाँ पे। तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए एक बार यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते थे, मॉर्निंग में उठते थे, बस ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे, उसके बाद लंच अपना रेडी करने के बाद, तो लंच वगैरह रेडी करने के बाद हम लोग निकल जाते थे, बस ब्रेकफास्ट करते थे और वहीं पे फिर निकल जाते थे हम सारे लोग और घूमने के लिए। और वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पार्क हैं, और बस पार्क में जाके अपना लंच वगैरह करते थे, और पूरा दिन पूरा टाइम पार्क में ही रहते थे, इतना एंजॉय करते थे हम लोग, बड़ा मज़ा आता था, और कुछ भी काम नहीं होता। फिर हम वहाँ से आते थे शाम को, और फिर शाम को आके घर पे डिनर करते थे फिर, और मतलब खूब इंजॉय किया था हमने फ़र्स्ट टाइम को। फिर उसके बाद भी गए थे 2 बार और तब भी बहुत मज़ा आया था, और अब नहीं जाता, अब गए ही नहीं है 2 साल से, अब नहीं गए हैं। तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे, इतनी अच्छी हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो खूब मज़े आ जाते हैं, खासकर गर्मियों के दिनों में। तो ये वाला वीडियो था यहीं तक का, अब इससे नेक्स्ट वाला वीडियो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। और मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए ब्लॉग्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।